Download Tarang online radio app from Google Play Store. आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। हमारे साथ इस वक्त मल साहब हैं, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑलमोस्ट कर्ता धरता हैं। ही इज़ द बॉस हु रन्स द शो। सर, आज आपने राष्ट्रीय दो दिन से ये राष्ट्रीय प्रधानाचार्य के आपने संगोष्ठी बनाई, मिठाई है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट इज़ द आउटकम दैट यू हैव फाइंड? देखिए, ये कुल केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के देश भर में फैले हुए जो स्कूल्स हैं, 1199 केंद्रीय विद्यालय संगठन में हैं और 630 नवोदय विद्यालय समिति में हैं। तो देश भर में फैले हुए इन सभी 1829 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, जो जिनके अंडर में लगभग 70,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और जिनके अधीन लगभग 15.25 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर है, इन सभी प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में, ताकि उनको उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका जो एजुकेशन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, उनको रीजुविनेट किया जा सके। उसके अलावा जो आज के दिन बेस्ट प्रैक्टिसेस सिस्टम में हमारे अपने केवी और एनवी सिस्टम में जो प्रिंसिपल्स ने विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करने के लिए या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छे से अच्छा यूज़ करके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, या कैंपस को अच्छे से अच्छा सुंदर बनाने के लिए और बिल्डिंग एज लर्निंग स्पेसेस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, और इसके अलावा अन्य विषयों पर भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब आपस में एक दूसरे को साझा करें, आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करें, तो इससे लर्निंग होती है। ये था मकसद। सर, मंत्री जी ने एक अहम अपने अभिभाषण में एक अहम बात कहा उन्होंने कि जो साइलोज थी, आप लोगों ने आज और अब से वो साइलोज नहीं होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम का सीज़न आया है। सो व्हाट वेयर डू यू सी दैट दो साइलोज दैट दे वर ऑल इन द एनवी और केंद्रीय विद्यालय में जो साइलोज थे, अलग अलग सिस्टम्स बनी हुई थी, पैरेलल सिस्टम्स चल रही थी, हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू ब्रेक दैट एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट ऑल सो दैट द बेस्ट प्रैक्टिस एज यू हैव ऑलरेडी सेड दैट फॉर द स्टूडेंट्स बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी मेड अवेलेबल टू देम? देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन अलग ऑटोनोमस बॉडी है, नवोदय विद्यालय समिति अलग ऑटोनोमस बॉडी है। दोनों का आपस में फील्ड के लेवल पर देखें तो कोई सीधा संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन अब पिछले दो दिनों से ये प्रिंसिपल साथ में हैं, एक ही ज़िले में केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं, नवोदय विद्यालय भी होते हैं। अब जो आपस में इनका इंट्रैक्शन हुआ है इन दो दिनों में, या जो संगठन और समिति के स्तर पे आपस में इंट्रैक्शन हुआ है, वो मैसेज ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन चला जाता है। जब साथ खाएंगे, साथ चाय पियेंगे और साथ इंट्रैक्ट करेंगे और साथ में सेशंस अटेंड करेंगे और ओपन सेशंस जो हो रहे हैं उनमें पैनल डिस्कशंस में भाग लेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रेजेंटेशंस करेंगे साथ साथ, तो वो जो साइलोज हैं अपने आप ही गायब हो जाते हैं। सर, दिस इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, बट ये पहले नहीं हो पा रहा था, ये आपको लग रहा है कि दिस वॉज समथिंग मिसिंग एंड इट शुड नॉट हैव बीन लाइक दिस? द जो कि साइलोज में थी पहले, ये ऐसे पहली बार आपने इतना बड़ा व्यवस्था में इतने बड़े सारे हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स को आप एक इकट्ठा करके लेके आए?
ये विचार इस बार सभी प्रिंसिपल्स की कॉन्फ्रेंस का आया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है अभी इस बार। पूर्व के वर्षों में ये क्यों नहीं हो पाया, अब इसके बारे में तो मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन ये हम लोग पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, और बड़ा ही सुखद संयोग हुआ है कि दोनों संगठनों के प्रिंसिपल्स इस बार साथ आए हैं, और आगे के लिए भी कार्यक्रम कैसे हो इसकी रूपरेखा भी बन रही है, और उनके आगे के जो टास्क हैं वो भी काफ़ी हद तक कटआउट हो रहे हैं, और सब हाई मोटिवेशन लेवल्स के साथ, नए जोश के साथ वापस जाएंगे, ये उम्मीद है। सर, बच्चे खेले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो खेलो इंडिया एक पूरा एक स्कूल्स के लिए एक बहुत पूरा बहुत बड़ा आयाम है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड एट द सेम टाइम व्हाट मिनिस्टर्स आई वाज सेइंग आल्सो दैट एवरी स्कूल हैज़ बीन नाउ एलोकेटेड सम फंड्स। डू यू थिंक दिस विल एक्ट एज अ बुलवर्क for improving not only the day-to-day physical shape of the students in their study, but also to when they, if they want to get going and progress in sports? Indeed. When they have the basic infrastructure and when they get equipments, then the children get opportunity to come out with the latent talent which is there. They get stage to perform. They get opportunity to let their inner hidden talents blossom. And as you might have noticed, we launched a FitKVN app today, wherein now it has become so easy for the teachers to collect the fitness data of our children. About 1.5 years back, we had launched the Swachh Bachche Swachh Bharat program, where the fitness report card was being provided to the students from year session 17-18 onwards. Now in the year 18-19, towards the end of it, now this app has been launched, and through this app, they can automatically collect the data in no time, and we also at the headquarters and at the regional offices would have very easy access to the whole data of the country of about 12,75,000 children. So besides that, other facilities also we are trying to provide as much as possible to our children. This definitely will be a big boost in the future for the scenario of sports in the country. Sir, one last question. There is a little critique कि आपने फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया है, बट फिजिकल एजुकेशन टीचर डिसिप्लिन टीचर बन के रह जाता है, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल दैट कि ये मैसेज हर एक स्कूल को जाए, हर एक प्रिंसिपल को जाए कि फिजिकल एजुकेशन इज़ अ डिसिप्लिन, एंड उसके जो जितनी टीचर्स की भर्ती होनी है वो हो जाए, होनी चाहिए, और वो डिसिप्लिन टीचर ना बन के, वो फिल इन द गैप टीचर ना बन करके वो एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, तो वो डिसिप्लिन उसको वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। देखिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को जब नियमित रूप से टास्क मिलेगा और उस टास्क की नियमित बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, चाहे वो इक्विपमेंट्स के मामले में हो, चाहे प्ले फील्ड्स के मामले में हो, चाहे प्ले स्पेसेस के मामले में हो, जब वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चय ही उनके अंदर की जो प्रेरणा है वो भी स्वतः जागृत हो जाएगी, और वो डिसिप्लिन टीचर और इन जो उपनामों से आप उनको संबोधित कर रहे हैं वो अपने आप ही नेपथ्य में चला जाएगा। और जब उनके ऊपर हम विश्वास करेंगे और उन्हें सुविधाएँ देंगे और उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आएंगे। You are very optimistic that this is what it needs to be done. A physical education teacher needs to be equipped and at the same time trained, and at the same time should be given a due weightage in each and every school of Kendriya Vidyalaya Navodaya. We are already doing that, and it has given fantastic results. Please check the data of School Games Federation of India and their events. The medal tally of Kendriya Vidyalaya Sangathan has grown tremendously in last 3 years. It has grown almost 3 times what our children were winning, the number of medals in 2014-15 and the number of medals which they won in 17-18. It has simply grown by a factor of 3. So all that effort in providing better infrastructure or motivating the physical education teachers or in their training, we arrange quite a few sessions of training for all our physical education teachers as well, be it at LNIPE or be it at other reputed institutions. So I think this is going to bear results. Thank you, sir. Thank you for the success of today, last 2 days, that principals conference that you did. Thank you. I hope it's a new beginning and Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya will see a new chapter in their discipline, in their approach, and with the students themselves, who are the bedrock of our country, of our nation, of our motherland.
Thank you indeed. Actually, the principles are the most important links in the chain which provides education to our children, which makes them young Indians from being small children. So this link, which is principal, is the most important, I think, person in this whole process. And if a principal is committed, dedicated, and is engaging with all the stakeholders, whether it is staff, whether it is students, whether it is parents, if he engages with them constructively, with his heart and soul into it, nothing can stop the school from flourishing. That is our belief, and that's why we have called them all here. आप सुन रहे हैं करण डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। विजन टीवी देख रहे हैं इनका सबको, दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे जो आने वाले हमारे कंपटीशन है, मेरे लिए कीजिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि जो आगे वाले काफ़ी हार्ड कंपटीशन, टफ है, तो सभी मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि आगे वाले कंपटीशन है उसमें अच्छा करूँ मैं। विजन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। Download Tarang Online Radio App from Google Play Store. Vision TV जिन्हें भी लोग देख रहे हैं इन्हें सारे ने बहुत दिलों मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे लिए करो, दुआ करो कि अगले जो आने वाले कॉम्पिटिशन है इसे ही काफ़ी करिए, वधिया करिए, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप है मैं उम्मीद करता कि उस मैं बेस्ट ऑफ सिक्स में आऊँगा, तो सभी मेरे लिए करना, दुआ करना। थैंक यू Vision TV। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.